CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ हुसैन की कहानी अपनी जबानी पृष्ठ संख्या 23 से 36 तक। लेखक मकबूल फिदा हुसैन। लेखक परिचय मकबूल फिदा हुसैन। जन्म सन 1915। आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ। जन्म शोलापुर महाराष्ट्र में। सिनेमा होर्डिंग के पेंटर के रूप में काम शुरू किया और आज खुद कई फिल्मों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। हमेशा चर्चा और विवादों में बने रहने वाले हुसैन ने ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाया। उन्हें सन 1966 में पद्मश्री से और सन 1973 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सन 1967 में थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर नामक वृत्तचित्र बनाया, जो कि बर्लिन में पुरस्कृत हुआ। चर्चित चित्रकार हुसैन ने कई श्रृंखलाओं में चित्र बनाए। हुसैन ने युवा कलाकारों के लिए कला का एक नया और विशाल बाजार खड़ा किया। मकबूल अब लड़का नहीं रहा, क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा, क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बात न चीत, बस गुम सुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहां लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोजा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीजगी के 12 तरीके सीख जाएगा। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। राजा मराठा, प्रजा गुजराती। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार, दौलत बरतानिया के मेडल लटकाए सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। दारुल तुलबा अर्थात छात्रावास, मदरसा हुसामिया, सिंहबाई माता रोड, गैडी गेट, तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल, गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसीलिए छात्रों के मुंडे सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा, मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद, केशवलाल गुजराती जबान के क्लास टीचर, स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान, गुलजमा खान बैंड मास्टर, बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहां उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है, जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। 2 साल की नजदीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बटे। 6 हीले और बहाने हुए। एक डभोई का अतर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज, एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा, एक पहुंचा बंबई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी, अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना, एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। यह 5 दोस्त, मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली, डबोही के अत्तार, छोटा कद, ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुश्क के अत्तर में डूबे, गुणों के भंडार,
डॉक्टर मनव्वरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म। हामिद कंबर हुसैन शौक कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी, खिंची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। मदरसे का सालाना जलसा, मुगल वाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राईपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके, जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हों, सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाईं। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी, 10 में से 10 नंबर। 2 अक्टूबर, स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इलम अर्थात ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ। उसमें एक फारसी का शेर था, कस्बे कमाल कुन की अजीजत जहां शवि, कस्बे कमाल नियार जद अजीजे मन। जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया का चहेता, जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम यह कस्बे कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।